Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। थैंक यू। तुम यहाँ पे आप पहले बता दी थी हाउस इसका ना मेस्ट अप। एक मिनट, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, कम इन। वो जरा ये ऑल माय क्लोथ्स आर मेस्ट अप। अंदर आओ ना। बस वहीं तक आ सकती हो। वो मैं तुम्हारे लिए खाना लाई थी। तो वेलकम अर्जुन, मेरा अंदर आना ठीक नहीं है, कोई देख लेगा। ओके, मत आओ, मैं खाना नहीं खा रहा। अर्जुन, क्या जिद लगा रखी है? खाना खाओ, नहीं तो मैं भी खाना नहीं खाऊं। तुमने खाना नहीं खाया? ग्रेट, हम दोनों साथ में मिलके खाएंगे। कम कम इन। वो मैंने तुझसे कहा था ना कि तू अर्जुन से नहीं मिलेगी। यहां से जा। आंटी एक मिनट। आंटी आप अंदर नहीं आएंगी? कोई बात, वैसे आप आज पहली बार घर आई हैं, मिठाई तो मैं अफोर्ड कर नहीं सकता। प्लीज अपना मुंह मीठा करते जाइए। पहली बात तो ये है अर्जुन, मैं यहां तुमसे मिलने नहीं, पूर्वी के लिए आई। और जहां तक इस शक्कर का सवाल है तो मुझे नहीं लगता मेरे पास ऐसी कोई भी वजह जिसके लिए मैं शक्कर खाऊं। मैं जिंदगी में कभी ये नहीं चाहूंगी अर्जुन कि मेरी बेटी को वो सारी तकलीफें उठानी पड़े जो मैंने अपनी जिंदगी में देखी है। मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहती हूँ और तुम उसे खुशियां दोगे। तुम्हारे पास क्या है अर्जुन? ये घर जहां तुम रेंट पर रहते हो, तुम्हारे पास खाने तक के पैसे नहीं है, क्या खिलाओगे मेरी बेटी को? सपने देखना छोड़ दो अर्जुन, क्योंकि तुम्हारी शादी पूर्वी से कभी नहीं होगी। आंटी, सपने देखना कोई बुरी बात तो नहीं है ना? मेरी आई कहती थी कि अगर तुम्हें कोई सपना पूरा करना है तो उससे पहले वो सपना देखना बहुत जरूरी है। पूर्वी से शादी करने का मेरा सपना रोज देखता हूं मैं, कल भी देखा था, आज भी देखूंगा और कल फिर से देखूंगा। मैं मानता हूं पूर्वी आपकी बेटी, उसकी शादी किससे होगी या किससे नहीं ये फैसला आपका है, लेकिन पूर्वी प्यार किससे करेगी ये फैसला तो आपका नहीं है ना। आई मीन आप उसके एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं आंटी, उसके इमोशंस को नहीं। हाँ, रहा सवाल आपके वो मांगे हुए दहेज का, तो दैट्स ऑन द वे। मैं उसकी पूरी तैयारी में लगा हूं। मैं आपको एक्चुअली दिखाता हूं। आप एक सेकंड।
ये रहा आंटी, ये रहे मेरे डेली एक्सपेंस। जहां पे मैं फिलहाल काम कर रहा हूँ वहां पे मेरी सैलरी 8,000 रुपए, और मैंने जितने दिन काम किया उसके उसके टिप मुझे मिले 371 रुपीज। और अब मैं जानता हूँ कि 10,000 रुपए में काफी पैसे कमाना बाकी है, लेकिन मैं कर लूंगा आंटी, बहुत जल्द, आई प्रॉमिस यू। देखिए आंटी, मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मैं पूर्वी से बहुत प्यार करता हूँ आंटी। आई जस्ट होप कि आप किसी तरह मुझे समझ पाएंगे। तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। क्यों इतना डर रही है? पूर्वी, मैं तुझसे कह रही, मैं कौन हूं तेरी पूर्वी, मैं कौन हूं तेरी? आई हूं ना मैं तेरी आई, तो मैं जो कुछ भी करूंगी वो तेरे लिए अच्छा ही होगा ना। मैंने तुझसे क्या कहा था, अर्जुन से मत मिलना, कहा था या नहीं कहा था? कहा था ना, तो फिर क्यों तू उससे मिले? क्या चाहती है तू, उसके साथ घर बसाना चाहती? चल मैं तेरा घर बसा। अरे आई, अर्जुन क्या कर रही है तू? आई प्लीज, आज तू बीच में नहीं बोलेगी। आई, इसने अपनी बहुत मनमानी कर ली, इसे खाना खिलाना है ना अर्जुन को, हम साथ में खाना खिलाएंगे। चल एक मिनट, ये अपनी मर्जी से वहां नहीं गई थी, मैंने इसे वहां भेजा था। तू नहीं चाहती थी ना कि ये वहां जाए, लेकिन मैंने इसे जबरदस्ती भेजा था। अर्जुन वहां अकेला रहता है, दोनों समय बाहर का खाना खाता है वो, कल अगर वो बीमार पड़ गया तो? और किसी को खाना खिलाना पुण्य की बात होती है बेटा, इसमें क्या गलत किया हमने? भाई गलती घर का खाना खिलाने में नहीं है, गलत ये है कि तूने उस इंसान को खाना खिलाया जिसने मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। अर्जुन, तुझे ओवी और तेजो की चिंता है और पूर्वी की नहीं? मैं मानती हूँ कि तूने उन दोनों को जन्म दिया है, 18 सालों के बाद वो तुझे मिली है, लेकिन पूर्वी का क्या? ये भी तो पिछले 18 सालों से तेरे साथ रह रही, तेरी जिंदगी का अटूट हिस्सा है, ये तेरे हर सुख दुख में ये शामिल हुई है, इसकी खुशी का क्या? तू ऐसा कैसे कह सकती है? भाई तुझे पता है कि पूर्वी मेरे लिए क्या मायने रखती है, मेरी बेटी है, उसको कभी बुरा नहीं चाहूंगी, कभी उसके बारे में गलत नहीं सोचूंगी, और जो कुछ भी मैं कर रही हूँ वो सिर्फ उसके लिए कर रही हूँ। मैं सच कह रही हूँ पूर्वी, मैं सिर्फ तेरा अच्छा चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो आई, बस यही मेरा मकसद है। मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को कि वो लड़का सही नहीं है, ये वो लड़का सही नहीं है, बस मुझे इतना पता है। और अगर वो सही साबित हुआ तो? तूने उसके सामने शर्त रखी, कल उसने अगर अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाए तो? अपने पिता के नाम का सहारा लिए बगैर 10,000 कमाकर तेरे हाथ में रख दिए तो? हाँ? उसने साबित कर दिखाया कि वो अपनी पूर्वी के लायक है, तो तू इन दोनों की शादी करवा देगी ना? ऐसा कभी नहीं होगा। अर्जुन अपनी शर्त कभी पूरी कर ही नहीं पाएगा, मेरी बात का यकीन मान, वो वैसा लड़का है ही नहीं। भाई तू मुझे बता, एक लड़का जो एक लड़की के साथ सगाई करता है, उसके बाद बस उसे दूसरी लड़की पसंद आ जाती है, इसलिए उस लड़की को वो छोड़ देता है, उस लड़की पर मैं क्या भरोसा करूँ? उस लड़की का क्या भरोसा करके उसको पूर्वी को छोड़कर किसी और लड़की को वो पसंद कर ले और उसके साथ चला जाए? तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? वो ऐसा लड़का नहीं है आई, वो ऐसा लड़का नहीं है। पूर्वी मेरी बात का यकीन कर, तुझे मेरी बातों पर विश्वास नहीं ना, तू एक काम कर, तू 4 दिन अर्जुन के साथ रह और फिर मुझे बता कि वो लड़का सही है तेरे लिए या नहीं, अपने आप सारी असलियत सामने आ जाएगी तेरे। अर्जुन ऐसा नहीं है, मुझे लगता है तूने अपने आंखों पर पट्टी बांध के रखी है, इसीलिए तू अर्जुन के काबिलियत पर देख कर भी अनदेखी कर रही है। अर्जुन हम बहस नहीं करते, तू इतना ही चाहती है ना कि पूर्वी अर्जुन से ना मिले, तो आज मैं तुझसे वादा करती हूँ कि पूर्वी अर्जुन से नहीं मिलेगी। सुन रही, ये मेरा फैसला है कि तू अर्जुन से नहीं मिलेगी।
वक्त की Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।